आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और एजुकेशन से जुड़े लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का एक ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन पेश करता है, पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब लाया गया, बजट से आर्थिक सर्वेक्षण अलग है या फिर एक साथ है, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है, बजट में क्या होता है, इन सभी चीजों को देखेंगे और एक मेन मेन पॉइंट बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ 10 बिंदुओं के बारे में। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में होता क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पूरे एक साल यानी 12 माह, जैसे आप 12 महीने बोलते हैं, उसका एक सर्वे होता है, एक सर्वेक्षण होता है। सर्वे हम किस चीज का करते हैं, सर्वे हम किसी जो उपस्थित चीजें होती हैं उसी का सर्वे करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पिछले एक वर्ष की जो भी घटनाएं हमारी अर्थव्यवस्था में घटती हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे GST हो या फिर कृषि से संबंधित, तो किसी भी क्षेत्र में जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हम आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत देखते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पूरे एक वर्ष के पीछे, मतलब पिछले एक वर्ष का होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो 2017 से 2018 के बीच का होगा और बजट जो होता है वो अगले वर्ष के लिए, अगले सत्र के लिए होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में हम पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या सुधार होनी चाहिए, इन सभी के बारे में देखते हैं और बजट में उन्हीं सुधारों पर, उन्हीं चीजों पर जिनमें कमी रह गई उसी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे रोजगार हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब यही होता है। अब हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में या ये समझते हैं कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण को लाता कौन है, ये सभी चीजों को। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो इंडिया के होते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को बजट से पहले। कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, कब, बजट से पहले, बिफोर बजट। इसको बुडगेट भी कहा जाता है एक तरह से। तो ये बजट होता है। ठीक है, जो ये इकोनॉमिक सर्वे होता है यानी आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये कई चरणों के बाद ही संसद में या पार्लियामेंट में पेश होता है। पहले बताते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये दोनों हाउस में, यानी आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा, ये दोनों हाउस में ये प्रेजेंट किया जाता है, उपस्थित किया जाता है, टेबल पर रखा जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है कई चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कौन करता है या किस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। आपको इकोनॉमिक सर्वे में जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे, मैक्सिमम में क्या दिखाया जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के निम्न 10 बिंदु, इसको आप देख लीजिए, पर बैकग्राउंड के बारे में आपको नहीं बताया जाता। तो देखिए, पहला जो ड्राफ्ट होता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ड्राफ्ट, फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट होता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, तो जो ड्राफ्ट होता है वो इकोनॉमिक सर्वे, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया जाता है। किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा सबसे पहले ड्राफ्ट किया जाता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे का ड्राफ्ट किया जाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के अफेयर के द्वारा किया जाता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट जो होते हैं वो मिनिस्ट्री के अंतर्गत होते हैं, मिनिस्ट्री एक बड़ा टर्म है और डिपार्टमेंट उसका एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे को ड्राफ्ट किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सामने इसको प्रेजेंट किया जाता है। वो लोग इसके त्रुटियों को या इसमें जो जो कमी हो जाती है या फिर जो सुधार किया जा सकता है उसको वो लोग देखते हैं और बताते हैं। तो वो दो व्यक्ति कौन है, पहले तो होते हैं आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर,
ये कौन है? ये है अरविंद सुब्रमण्यम। याद रखिएगा यहाँ पे मेन मेन फैक्ट है, इसको याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो अरविंद सुब्रमण्यम है। इसके बाद इनके अलावा एक तो पहले ये हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे जिनके जिनके सामने और रखा जाता है वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो सेक्रेटरी होते हैं इकोनॉमिक अफेयर के उनके सामने लाया जाता है। तो ये कौन है सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर? ये है शक्तिकांत दास, ये है शक्तिकांत दास। तो दो लोग पहले क्या होता है, ड्राफ्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद इस ड्राफ्ट जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो अरविंद आपके अरविंद सुब्रमण्यम है उनके सामने और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, याद रखिएगा दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से, स्पेशली यूपीएससी में तो जरूर बनेगा। तो इन दोनों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कौन है? शक्तिकांत दास है। तो इन दोनों के लोग के सामने इसको प्रेजेंट किया जाता है इस ड्राफ्ट को, जो भी कमियां होती है सुधार करते हैं उसमें, जो भी चीजें होती है, हालांकि इसमें जो टाइपिंग करते हैं वो लोग भी शामिल होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े लेवल पर पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किस मिनिस्ट्री के द्वारा या क्या क्या प्रोसेस होता है, तो वहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दोनों के सामने इसको इस ड्राफ्ट को जो है लाया जाता है। इसके बाद इसका जो फाइनल वर्जन होता है, फाइनल वर्जन होता है इकोनॉमिक सर्वे का, इसको जो सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है वो फाइनेंस सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी होता है और फाइनेंस मिनिस्टर, इन दोनों के द्वारा जो है किया जाता है। फाइनेंस सिक्योरिटी और फाइनेंस मिनिस्टर, इन दोनों के द्वारा जो है इसको फाइनल सिंक्रोनाइज किया जाता है। और जो डाटा यहाँ पे प्राप्त होते हैं, यानी फाइनल जब वर्जन तैयार होता है इकोनॉमिक सर्वे का, मतलब सिंक्रोनाइज का मतलब एक तरह से फाइनल रूप से जो तैयार किया जाता है, एक तरह से फाइनल रूप से जो ड्राफ्ट किया जाता है, आप ये समझिए फाइनल वर्जन का मतलब, एक तरह से फाइनल रूप से जो इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है जिसे आप पढ़ते हैं, वो फाइनेंस सिक्योरिटी और सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको फाइनल वर्जन को तैयार किया जाता है, इसको ड्राफ्ट किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके लिए जो डेटा यूज किए जाते हैं, जो इस इकोनॉमिक सर्वे के लिए पिछले एक वर्ष के जो डेटा यूज किए जाते हैं वो डेटा आते कहां से है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा होते हैं ये सीएसओ के द्वारा, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा ये डेटा दिए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बॉम्बे में इसकी जो है संस्था है, यानी इसका जो ऑफिस है वो बॉम्बे में है, मुंबई में, ठीक है। तो इसको कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके द्वारा ये डेटा दिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि सीएसओ किसके अंतर्गत आता है, आपको ये याद रखना, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री की चीजें जो होती हैं कि कौन चीज किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है या जो गवर्नमेंट स्कीम निकालती है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएसओ जो है वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पीएसआई, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लान इंप्लीमेंटेशन, इसी प्रकार इसको लिखते हैं MOPSI, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOPSI के अंतर्गत ये आता है सीएसओ। तो इसी के अंतर्गत ये कार्य करता है, इसके डाटाज को आर्थिक सर्वेक्षण बनाने का जो फाइनल वर्जन होता है उसमें यूज किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये आपका जो फाइनल डाटा तैयार होता है, फाइनल वर्जन तैयार हो जाता है आपका इकोनॉमिक सर्वे का, यानी आर्थिक सर्वेक्षण का या आर्थिक सर्वे का 2017-18। इसके बाद क्या होता है, ये फाइनल मिनिस्टर जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके जो हेड, ठीक है, तो इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जिसे आप कहते हैं अरुण जेटली। ये क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट के टेबल पर प्रेजेंट करते हैं। टेबल पर प्रेजेंट करने का मतलब होता है कि लोकसभा और जो राज्यसभा है उनके सामने उपस्थित करना अपने इस आर्थिक सर्वेक्षण को, तो इसी को कहा जाता है कि टेबल पर जो है प्रेजेंट करना, टेबल पर रखना। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो फाइनल रूप से आर्थिक सर्वेक्षण को पार्लियामेंट में आपके, जिसे आप संसद कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह, इसको प्रेजेंट किया जाता है।
यहाँ पर जाकर ये प्रेजेंट होता है, फिर उस पर डिबेट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं। तो ये है एक तरह से ओवरव्यू आर्थिक सर्वेक्षण का कि किस प्रकार ये चलकर आता है हमारे पार्लियामेंट में और उसके बाद हमारे सामने आता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है इतिहास क्या रहा आर्थिक सर्वेक्षण का। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास। देखिए पहली बार यानी फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में इसको जो प्रेजेंट किया गया वो किया गया 1950-51 के बीच में, यानी आर्थिक सर्वेक्षण ये 2017-18 का है, लेकिन सबसे पहले जो प्रेजेंट किया गया 1950-51 में इसको प्रेजेंट किया गया पहली बार। स्वतंत्र भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार 1950 से 1951 के बीच में लाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है, ये चलता रहता है, ये दोनों आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे और प्लस बजट, ये दोनों एक साथ चलते हैं। आज के समय में आप देखते होंगे इकोनॉमिक सर्वे 2-3 दिन पहले आता है, बजट जो है 2-3 दिन बाद आता है, लेकिन पहले क्या होता था इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक साथ चलता था 1950 से 51 के बीच में, ठीक है। ये चलता रहा 1964 तक, 1964 तक ये प्रक्रिया चलती रही। 1964 में जाकर इकोनॉमिक सर्वे और जिसे आप गुटगेट कह रहे हैं यानी बजट, इसको अलग कर दिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एक साथ अलग कर दिया जाता है 1964 में, यानी 1964 तक 1950-51 से लेकर ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक साथ पेश किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, अलग करने का कारण क्या होता है? देखिए सबसे पहला कारण, बजट में क्या करते हैं, बजट में हम चीजों के लिए यानी जो हमारी योजनाएं होती है, जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, या फिर हम कह लें जो हमारी नीतियां होती हैं, गवर्नमेंट किस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सारी चीजें जो होती हैं ये बजट में पेश की जाती हैं। यानी कि कृषि में सरकार ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कृषि के लिए सरकार क्या नीतियां ला सकती हैं, ये सभी चीजें बजट में होती हैं। लेकिन पिछले वर्ष में कृषि में क्या क्या उत्पाद हुआ या फिर क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या कमियां देखी गई, क्या क्या बढ़ोतरी देखी गई, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत होती हैं। यानी क्या चीजें हुई वो इकोनॉमिक सर्वे में होती हैं और क्या चीजें होनी चाहिए ये बजट में होता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अलग कर दिया गया 1964 में। इतिहास से संबंधित एक जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चीजें अलग हो गई, कॉन्सेप्ट यही था कि इकोनॉमिक सर्वे में ये चीजें देखी जाएं कि सरकार जो है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है ना कि बजट आ रहा है तो आप कैसे समझ पाएंगे, एक दूसरे को लिंक कैसे कर पाएंगे कि बजट में क्या चीजें हुई, वो क्यों होनी चाहिए थी, ये समझने के लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना या इकोनॉमिक सर्वे को अलग रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है कि आप समझ पाएं कि हर सेक्टर में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेक्टर में क्या क्या कमियां रह गई या क्या क्या बढ़ोतरी हुई, तो उस अनुसार बजट में क्या क्या चीजें लाई जा सकती हैं और क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ला रही है। फिर आम आदमी को, एस्पिरेंट को, हर किसी को समझने में ये आसानी होती है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अलग किया गया। ये था एक इतिहास, इसके बाद से ये सारी चीजें चलती रही। और अब बात करते हैं इस समय की इकोनॉमिक सर्वे की, यानी आज के समय में इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें हैं, इसे कैसे जो है किस वक्त कितने भाग में इसको लाया जाता है, ये सभी चीजें आप जान लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे को यानी आर्थिक सर्वेक्षण को दो वॉल्यूम में लाया जाता है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। पिछले वर्ष से मतलब इसके पहले भी वॉल्यूम दो वॉल्यूम में लाया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष क्या हुआ था कि पिछले वर्ष में गवर्नमेंट ने केवल फर्स्ट वॉल्यूम को प्रेजेंट कर पाया था, सेकंड वॉल्यूम जो है वो नहीं आ पाया था। इसका सबसे बड़ा कारण था, मतलब एक तरह से वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे दो भाग, दो पुस्तक, एक तरह से दो पार्ट आप समझ सकते हैं, फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट, वॉल्यूम लिखा जाता है लेकिन इसको आप पार्ट समझ सकते हैं समझने की दृष्टि से। तो पिछले वर्ष क्या किया गया, केवल फर्स्ट वॉल्यूम लाया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि सेकंड वॉल्यूम में क्या किया गया कि आपका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया डीमोनेटाइजेशन का, नवंबर में 8 नवंबर को आपको पता है, तो डीमोनेटाइजेशन होने की वजह से जो डाटाज थी उसको बनाने में, उसको उस डाटाज को टाइप करने में, एक तरह से कहते हैं समझने में थोड़ा समय लग गया, इस वजह से सेकंड वॉल्यूम को नहीं लाया गया, क्योंकि सारी डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसी समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो फर्स्ट वॉल्यूम को पिछले वर्ष लाया गया था, लेकिन इस वर्ष क्या किया गया है, दोनों को एक साथ लाया गया है। आज आया है आपका, ठीक है, आज आपका 29 जनवरी है, 29 जनवरी को दोनों वॉल्यूम जो है आपका आ चुका है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे मेन मेन पॉइंट की, यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें मतलब संस्थाओं के द्वारा यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या क्या चीजें लाई गई, उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट आगे हो सकता है, इसी पॉइंट की हम बात करेंगे। अब हम उन पॉइंट की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत
अरुण जेटली ने क्या कहा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट सत्र से पहले पहले दिन यानी इकोनॉमिक सर्वे 2018 जो पेश किया उसमें उन्होंने कहा कि सर्वे में टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है, इसके अलावा जो रेडीमेड गारमेंट की एक्सपोर्ट है उस पर भी उसके जो वृद्धि है उस पर भी फोकस किया गया है, उसके अलावा सरकार का जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में सरकार का जो है जोर रहेगा। तो ये सभी बातें इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अंतर्गत बताई। कुछ और पॉइंट की बात कर लें, इन्होंने कहा पंजीकृत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में जो है एक तरह से वृद्धि हुई है। इसके अलावा इन्होंने कहा औपचारिक गैर कृषि भुगतान अनुमान से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा राज्यों की जो खुशहाली है उनके अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय व्यापार से सहसंबंधित है, यानी राज्यों की जो खुशहाली एक तरह से राज्यों की जो ग्रोथ हुई है वो उसका सबसे बड़ा कारण एक तो उनका अंतरराष्ट्रीय और दूसरा अंतरराज्यीय व्यापार से जो जुड़ाव है उसके कारण है। इसके अलावा भारत का सुदृढ़ निर्यात ढांचा अन्य बड़े देशों से अधिक समानता रखती है एक तरह से, इन सभी चीजों के बारे में इन्होंने कहा। अब कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अप्रैल से दिसंबर के बीच में 2017 इसके बीच में निर्यात में 12.1% की वृद्धि देखी गई। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अप्रैल से दिसंबर 2017 के बीच में निर्यात में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई देखी गई। यही जो वृद्धि है ये 2017-18 की यहां बात हो रही है तो 2016-17 में यही जो निर्यात की वृद्धि दर थी ये 5.2% की थी। तो यहां पर आपको ग्रोथ दिख रहा है। सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये बजट पेश किया, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उसमें इन्होंने बताया कि अप्रैल से दिसंबर के बीच यानी 2017 में निर्यात में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई जो कि 2016-17 में 5.2% की वृद्धि दर थी। इसके अलावा पहला पॉइंट ये था। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017-18 में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद ये क्या होता है, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, वहां पर आपको इस फैक्टर के बारे में से समझाया गया जीडीपी क्या होता है। तो 2017-18 में जीडीपी की जो दर थी वो 6.75% ठीक है, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि आगामी जो वित्त वर्ष है एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2018-19 के आगामी वित्त वर्ष में जो जीडीपी की दर होगी वो 7 से लेकर 7.5% रहेगी। ये चीज दे सकते हैं 2017-18 में जो जीडीपी दर का जो अनुमान है वो 6.7% है, लेकिन आगामी वित्त वर्ष जो होगी 2018-19 की उसमें जीडीपी की जो दर होगी वो 7 से लेकर 7.5% हो सकती है। ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण का एक अनुमान है। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत, इन पॉइंट को लिखते रहिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 50 वीडियो देखने से अच्छा है जहां पर आपको चीजें आसानी से समझ में आए वहां से चीजों को नोट करते रहिए, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गवर्नमेंट इस पर ज्यादा ध्यान देती है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो करंट के अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017-18 तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017-18 में जो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट ये जो है ये 3.2% रहने का अनुमान है, यानी राजकोषीय घाटा जो है 2017-18 में ये 3.5% रहने का अनुमान है। इसी राजकोषीय घाटा की बात करें हम 2016-17 के सर्वे में जो बताया गया उसमें इसको 3.5% बताया गया था। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, उसमें आप देखिएगा अच्छे तरीके से, इन फैक्टर के हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल है चूंकि, तो वहां पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2% रहने का अनुमान है, लेकिन 16-17 में ये 3.5% था। अगले पॉइंट की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में जो है वृद्धि दर्ज की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि दर्ज की गई वो 75.7 मिलियन टन इतनी दर्ज की गई। खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 2017-18 के सर्वे में 275.7 मिलियन टन दर्ज की गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले पॉइंट की जीएसटी के अंतर्गत। जीएसटी के आंकड़ों के अनुसार यानी जीएसटी का जो आंकड़ा आया है
उसके अनुसार अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें यानी अप्रत्यक्ष कर, आपको पता है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा गया है। तो जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स करदाताओं की जो संख्या है उसमें लगभग 50% का इजाफा हुआ है यानी वृद्धि हुई है। तो जीएसटी आंकड़ों के अनुसार अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में लगभग 50% से अधिक वृद्धि एक तरह से देखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे औद्योगिक विकास दर की। औद्योगिक विकास दर की बात करेंगे तो अप्रैल से लेकर नवंबर 2017 के बीच में, ठीक है, अप्रैल से लेकर नवंबर 2017-18, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 17-18 का होता है, तो अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में जो औद्योगिक विकास दर था, जो विकास दर, औद्योगिक विकास दर ये 3.2% रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि निम्न में से औद्योगिक विकास दर 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में कितना रहा, या अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास दर का अनुपात कितना रहा, परसेंटेज वाइज दे देगा, 3.2%, 3.5%, 3.4 और 3.1%। तो आपको बताना चाहिए कि वो 3.5 है जो औद्योगिक विकास दर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अंतर्गत था। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो 2016-17, देखिए चीजों को कंपेयर करना सीखिए, 17-18 की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि 16-17 में भी क्या था, कितनी ग्रोथ उस अनुसार हुई है। तो 16-17 में जो औद्योगिक विकास दर था वो आपका 4.6% था और औद्योगिक विकास दर 17-18 में 3.2% हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत मुद्रा स्फीति के बारे में। मुद्रा स्फीति वर्ष 2017-18 के दौरान मुद्रा स्फीति की जो औसत पिछले 6 वर्ष की तुलना में इसकी जो दर रही है वो कम रही है, यानी मुद्रा स्फीति जो है वो औसत पिछले वर्ष 6 वर्ष की तुलना में, यानी पिछले 6 वर्ष की तुलना में, यानी पिछले 6 वर्ष जो 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में पिछले 6 वर्ष की तुलना में जो मुद्रा स्फीति रही है वो सबसे कम रही है। अगर हम इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो उसमें 3.3% रही है, और अगर हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो उसमें 2.9% रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में और क्या क्या हुआ है, इसमें जो भारत का जो बाह्य क्षेत्र का व्यापार है वो मजबूत हुआ है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें भारत के निर्यात में, जो भारत का निर्यात होता है अगर उसको हम 100% मान के चले कि भारत का एक तरह से निर्यात 100% हुआ है, तो उसमें 70% का जो हिस्सेदारी है उसमें आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य है। मतलब इसमें 70% का जो हिस्सेदारी है एक तरह से अर्थव्यवस्था के निर्यात में, भारत के निर्यात में, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 5 राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 70% है। इसके अलावा वस्तु और सेवा क्षेत्र में भारत के आंतरिक व्यापार की हिस्सेदारी में जो है जीडीपी का 60% है, जो भारत में वस्तु और सेवा यानी जीएसटी का जो क्षेत्र है उसका भारत के आंतरिक व्यापार में हिस्सेदारी जीडीपी का 60% है। इसके अलावा व्यापार नीति के 2 प्रमुख फैसलों का भी उल्लेख किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। जब हम इनके सारे बैलों को पढ़ेंगे, 1 और 2 बैलों को जब हम पढ़ेंगे, जो मेन मेन पॉइंट होंगे उसको हम पढ़ाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से, तो वहां पर हम देखेंगे कि वो क्या क्या फैसले नीतिगत लिए गए हैं। इसके अलावा पुरुषों के शहर की तरफ पलायन करने से कृषि में महिलाओं की जो है हिस्सेदारी बढ़ गई है। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन के बाद कई सारे जो है क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोगों का पलायन हुआ है शहरों की तरफ, तो सॉरी शहरों से गांव की तरफ पलायन हुआ है, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो महिलाएं थी उनका हिस्सेदारी कृषि में बढ़ गया, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पर पुरुषों का पलायन बढ़ा रहा शहरों की तरफ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि शहरों से लोगों का पलायन गांव की तरफ नहीं हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद, लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि शहरों से भी पलायन गांव से भी लोगों की पलायन जो है वो शहरों की तरफ हो रहे थे, यानी कृषि क्षेत्र से वो शहरों की तरफ आ रहे थे। तो जब वो लोग कृषि को छोड़ते हैं, वो पुरुष बाहर आते हैं, तो महिलाओं की हिस्सेदारी उसमें बढ़ जाती है, भागीदारी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार देखा गया कि पुरुषों के शहर की पलायन करने से कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता वृद्धि को बनाए रखने के लिए
कृषि अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर इसमें एक तरह से फोकस किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत कि जरूरत है कृषि उत्पादकता वृद्धि को बनाए रखने के लिए कृषि अनुसंधान और उसके डेवलपमेंट को, ठीक है। इसके अलावा विमुद्रीकरण से वित्तीय बचत की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी इससे मदद मिली है, यानी डिमोनेटाइजेशन से वित्तीय बचत की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने में भी मदद मिली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के हम चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन्हीं पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।